मैं एक छोटी चीज़ और बताना चाह रहा था। ये जो जो E4100 है, तो ये काफ़ी पुराना होम थिएटर है। इसके वायर थोड़े कटे हुए थे, इसलिए मैंने इसको कॉर्नर भी सेट कर दिया है। और इसके सराउंड स्पीकर और वो लेफ्ट राइट स्पीकर, सभी स्पीकर वही हैं, पूरे पांचों स्पीकर वही हैं। जबकि मेरे सेटअप मैंने कर रखा है, एक ये है, एक वो है, एक पीछे भी दे रखा है, और बाकी नीचे भी एक सेंटर में दे रखा है। तो कोशिश करूँगा आपको सही डायरेक्शनल आपको साउंड मिल पाए। तो अभी मैं गाना प्ले करने वाला हूँ, और आप और मैं इसको एक जगह फिक्स कर दूंगा, तो आप खुद से डिसाइड करना कि आवाज़ कहाँ से आपको प्रॉपर आ रही है और किसकी लाउड और लग रही है। तो मैं गाना अभी प्ले करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने कनेक्ट कर दिया, मैं वॉल्यूम अभी 50% पे इसको लेके जा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स मेरा, और एक चीज़ मैं बता दूँ छोटी सी, एक्चुअली मैंने साउंड सेटिंग दोनों की सेम कर रखी हैं। ये क्लियर और डिजिटल ऑडियो, क्लियर ऑडियो प्लस पे लगा हुआ है। तो अभी पांचों स्पीकर हैं, वो साथ में आपको साउंड करेंगे। तो यही मैंने दोनों में सेटिंग कर रखी है। तो वॉल्यूम अभी मैंने फ़ोन से मैं पूरा कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स हो सकता है आपको HT IV 3 थोड़ा वॉल्यूम कम लग रहा हो, क्योंकि ये मैंने सभी डायरेक्शनल से साउंड आ रही है, सभी डायरेक्शन साउंड आ रही है। जबकि ये जो मैंने ये वाला सेटअप किया है, नया वाला होम थिएटर, वो मेरे जस्ट सामने रखा हुआ है। तो हो सकता है इसकी वजह से, इसकी और मेरी पोजीशन यही है, तो डायरेक्ट मेरा साउंड सामने लग रहा हो। बाकी मैं बता दूं दोस्तों, अभी मेरे को कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा है इसमें साउंड में। तो साउंड मेरे को दोनों की सेम लग रही है। और बेस क्वालिटी बात करें तो बेस क्वालिटी दोनों की सेम है, पर साउंड जो है क्लियर मेरे को, और थोड़ा सराउंड जो इफेक्ट आ रहा है वो इसमें टावर स्पीकर में आ रहा है, जो टावर वॉय है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, ये इसलिए हो रहा है, जो जो स्पीकर इसमें यूज करेंगे ना, तो इसमें ट्यूटर के साथ फ्रेंड्स
मेन स्पीकर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिए ये मेन स्पीकर हुआ, उसके साथ ट्विटर भी यूज करे गए, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ इसमें लेफ्ट एंड राइट में आपको चार स्पीकर हो जाते हैं टोटल मिला के। और यहीं ये छोटे वाले में आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो इसमें दोस्त एक छोटा सा स्पीकर है, तो उसमें ट्विटर के साथ थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट लगता है आपको सराउंड का, और मतलब आवाज़ थोड़ा और ज़्यादा सराउंड करती है, ज़्यादा क्लियर आपको फील होती है क्योंकि ट्विटर उसमें दिया गया है। तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंस इसमें लगा हुआ है, और अभी मैं फिर एक गाना प्ले करूँगा, एक एक मिनट तक दोनों बजाऊँगा, फिर आप खुद से डिसाइड करना कौन सा बज रहा है और किसकी आवाज़ तेज़ है। तो अभी मैं प्ले करने वाला हूँ, तो आवाज़ मेरे को थोड़ी इसकी तेज़ लग रही है, और तेज़ मीन्स क्लियर भी लग रही है, और जो बेस दोनों की सेम आ रही है। मैं सोच रहा था कैबिनेट छोटा बड़ा होगा तो बेस थोड़ा डिफर करेगी, पर बेस दोनों की लगभग सेम है, लगभग सेम नहीं बिल्कुल सेम है, और साउंड थोड़ी इसकी ज़्यादा सराउंड कर रही है, वो भी 19-20 का अंतर है। अगर आप मैं साइड बाई साइड कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे को ये चीज़ फील हो रही है, वैसे आप ये चीज़ फील ही नहीं कर पाओगे। अगर आँखें बंद करके आपको दोनों रूम में छोड़ दिया तो आपको अरे सेम आवाज़ है, बिल्कुल सेम आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, और बाकी साउंड दोनों ही बेस्ट है। और वो पुराना भी हो गया लेकिन साउंड अभी भी नहीं गई है, और मैं फुल वॉल्यूम पे प्ले कर रहा हूँ दोस्तों, तो वॉल्यूम मतलब साउंड बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट भी नहीं हो रही, आपको ये चीज़ फील माइक में ये साउंड में आ रही होगी। तो मैं गाना फिर प्ले करने वाला हूँ, एक एक मिनट तक दोनों गाने प्ले करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है दोस्तों। तो मैं अभी प्ले करने वाला हूँ ये भी गाना फिर अगेन, अभी मेरा कनेक्ट है सोनी HT IV 3 डालू, आप सुनिए इसको, मैं एक मिनट तक गाना ही बजने दूंगा। तो अभी मैं कनेक्ट करने वाला हूँ E4100, और आप देखना है इसमें दोस्तों कितना साउंड का अंतर पड़ रहा है, और मैं यही पोजीशन रखूँगा दोनों ये सबवूफर के सामने माइक ले जाऊँगा, और आप बेस का अंतर फील करना, मे बी आपको क्लियरली आपको वो हो जाए। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और ये हो गया कनेक्ट, और मैं गाना सेम प्ले कर रहा हूँ, बैक कर दे रहा हूँ उसी पोजीशन से जिससे मैंने पहला वाला गाना पहले वाला हम
दोस्तों वीडियो था यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो ये था कंपैरिजन का वीडियो। मैंने पूरा कोशिश करा कि आपको क्लियरली इसमें अंतर आपको फील करा पाऊँ और आपको क्लियरली आपको डिफरेंस इसमें मालूम पड़ जाए। रेट में काफ़ी बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, हार्डवेयर दोनों का सेम है। आपको जो अच्छा लगे वो बाय करिए। ये थोड़ा एलिगेंट लुक लगता है इसका, क्योंकि इसमें बड़े से टालवा स्पीकर मिलते हैं, तो ये लुक इसका लुक काफ़ी एनहेंस करता है ये। और बाकी साउंड क्वालिटी मेरे को दोनों की सेम लगी है, और ये मेरा ओपिनियन था। बाकी आपने दोनों की सुनी हुई है, मैंने प्रॉपर इसमें रिकॉर्ड करा है। आपको जिस जो अंतर लगे, जो अच्छा लगे, जो आपका बजट बोलता है, वो आप स्पीकर बाय करिए। दोनों ही अच्छे स्पीकर हैं, दोनों ही अच्छी क्वालिटी के हैं, साउंड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, और फुल साउंड पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस इसकी साउंड थोड़ी क्लियर है, क्योंकि इसमें ट्विटर अवेलेबल है, तो सराउंड इफेक्ट जो आता ना, जो छन छन आता ना, वो क्लियरली इसमें मालूम पड़ रहा है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट इसका कंपैरिजन। कुछ पॉइंट्स मेरे से भूल गए तो इसके लिए सॉरी। और मैंने ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट करे हैं कंपैरिजन में। तो ये था कंप्लीट वीडियो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिए ऐसी वीडियो आपको पाने के लिए। और जो आपका बजट रहे वो आप स्पीकर बाय करिए। और अगर आप कोई प्लान कर रहे हो स्पीकर लेने के लिए, होम थिएटर लेने के लिए, तो मेरे को आप बजट बताइए, मैं उसमें आपको बेस्ट होम थिएटर बताऊंगा। और मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी डाल दूंगा, दोनों की लिंक बाय करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको कोई भी मेरे से जानकारी चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।